हेलो एवरीवन सो वी आर सॉल्विंग द बैग एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एल्कोहॉल फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू सो द द क्वेश्चन राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स हुज द्वेश्चनसी नेम्स आर एज फॉलोज आपको क्या दिया है बेटा कुछ आई नेम्स दिए हैं कंपाउंड के आपको उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताने हैं ठीक है सो वन बाय वन करके देखेंगे फर्स्ट वन इज टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल सिंपल सा है क्या करना है चार कार्बन आइटम्स की चेन बनानी है बेटा जिसमें सेकेंड पोजिशन पर है मिथाइल ग्रुप एंड सेकेंड पोजिशन पर ही है ओ एच ग्रुप कैसे बनाएंगे बेटा देखो जब भी हम चेन बना रहे हैं खुद से तो हम ये मान के चलेंगे कि हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट ठीक है तो यहां पर ये यह हुआ सी एस ट्री फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पर लगा है सीएस थ्री ग्रुप दैट इज मिथाइल एंड सेकेंड कार्बन पर ही है ओ एच ग्रुप और टोटल कितने कार्बन आइटम्स की चेन है बेटा फोर कार्बन आइटम्स की तो ये बन गया आपके पास टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल ठीक चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल मतलब तीन कार्बन आइटम्स की चेन होगी टोटल यहां पर बनाओ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन जिसमें सेकेंड पोजिशन पर क्या है ओ OH ग्रुप ये हमने लिख दिया यहां पर और फर्स्ट पोजिशन पर क्या है बेटा फिनाइल फिनाइल का मतलब क्या होता है फिनाइल का मतलब है बेंजीन रिंग तो यहां पर आपने बनाया ऐसे यहां पर यह बना दी रिंग ठीक है तो फर्स्ट पोजीशन पर है फिनाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है OH ग्रुप अब क्या करना है अब क्या करना है बेटा कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन तो ये हुआ सी एच टू यहां पर एक एच और यहां पर सी एच थ्री तो क्या बना दिया आपने वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल समझ आया चलो आप देखेंगे थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या बनाना है बेटा थ्री कॉमा फाइव डाय मिथाइल हेगेन वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ट्राइल तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्ड रूट क्या है हेग्जेन तो क्या करना है बेटा छह कार्बन आइटम्स की चेन बना लेनी है तो ये हमने बनाया वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज सिक्स ठीक थर्ड पोजीशन पर क्या है थर्ड पोजीशन पर है सी एस थ्री ग्रुप और कहा है बेटा फिफ्थ पोजीशन पर तो ये हुआ फिफ्थ पोजीशन सी एच थ्री और क्या है वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ट्रायऑल ट्रायऑल का मतलब है तीन ओ एच ग्रुप्स कहां एक है फर्स्ट पोजीशन पर एक है थर्ड पोजीशन पर और एक है फिफ्थ पोजीशन पर मतलब यहां पर ठीक अब क्या करेंगे हाइड्रोजन ऐड कर दो बस यहां पर ये हुआ सी एच टू ये सी एच टू यहां पर ये चार बॉन्ड कंप्लीट है इसके यहां पर है सी एच टू इसके चार बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी और ये हो जाएगा सी एच थ्री सिंपल सा था बन गया बस ठीक है समझ आई बात कैसे बनाना है ओके चलो आप देखते हैं फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है बेटा टू कॉमर थ्री डायथाइल फिनॉल सिंपल सा है सबसे पहले क्या बनाएंगे यहां पर हम ड्रॉ करेंगे फिनॉल फिनॉल का मतलब क्या होता है बेटा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है ओ OH. एच अब क्या करना है सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर है डाई इथाइल तो यहां पर अगर हम नंबरिंग करें लेट से दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री तो क्या है सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर है इथाइल ग्रुप्स तो हम क्या करेंगे यहां पर एड कर देंगे इथाइल इथाइल का मतलब क्या होता है सी एस टू सी एस थ्री तो हम लिख लेते हैं सी टू एच फाइव और यहां पर भी क्या होगा बेटा सी टू एच फाइव बन गया दिस इज टू कॉमन थ्री डायथाइल फिनॉल दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन डन चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या बेटा प्रोपेन प्रोपेन का मतलब क्या दिया हुआ है आपको ईथर ईथर बनाना है कैसे बनाएंगे प्रोपेन मतलब तीन कार्बन आइटम्स की चेन ठीक है फर्स्ट पोजिशन पर है इथोक्सी इथॉक्सी का मतलब क्या होता है ओ सी टू एच फाइव राइट और बस अब वेलेंसीज कंप्लीट कर दो सिंपल सा था ये तो बन गया आपके पास वन इथॉक्सी प्रोपेन ठीक है बेटा समझ आया ओके नेक्स्ट पार्ट देखो सिक्स पार्ट इसमें क्या बनाना है बेटा इसमें बनाना है टू इथॉक्सी थ्री मिथाइल पेंटेन वापिस से बनाएंगे पांच कार्बन आइटम्स की चेन क्योंकि पेरेंट चेन तो वही है सो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन सेकेंड पोजिशन पर है इथॉक्सी सेकेंड पोजिशन मतलब यहां पर इथॉक्सी का मतलब क्या हुआ सी टू एच फाइव ठीक है और थर्ड पोजिशन पर क्या है बेटा मिथाइल ग्रुप तो ये बन गया आपके पास कर दो वेलेंसी कंप्लीट सी एच यहां पर सी एच और यहां पर क्या हो जाएगा सी एच टू एंड दिस और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर पे ठीक है बेटा ये आपने क्या बनाया टू इथॉक्सी थ्री मिथाइल पेंटेन ठीक है बेटा यहां तक क्लियर है चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सेवेंथ पार्ट में क्या बनाना है बेटा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल साइक्लोहेक्साइल का मतलब क्या हुआ बेटा आपको बनानी है सिक्स कार्बन आइटम्स की रिंग ठीक है तो ये बनाई आपने रिंग और ये क्या है मिथेनॉल मिथेनॉल का मतलब एक कार्बन आइटम और उस पर ओ एच ग्रुप तो यहां पर यह हो जाएगा सी एच टू एंड ओ एच ठीक है तो ये क्या बना साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल क्लियर है चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा थ्री साइक्लोहेक्साइल पेंटेन थ्री ऑल थ्री साइक्लोहेक्साइल पेंटेन थ्री ऑल तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें देखनी है पेरेंट चेन दैट इज पेंटेन तो बनाएंगे पांच कार्बन आइटम्स की चेन तो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड दिस इज फाइव थ्री साइक्लोहेक्साइल यह है थर्ड कार्बन आइटम और इस पर है सिक्स कार्बन एटम्स की रिंग ठीक है तो ये आपने बना दी रिंग दिस इज साइक्लोहेक्साइल और पेंटेन थ्री ऑल मतलब थर्ड पोजिशन पर ही है ओ एच ग्रुप ठीक है बेटा तो ये साइक्लो एक्साइल रिंग है इसको अच्छे से बनाएंगे थोड़ा सा अब आपको क्या करना है मेन स्ट्रक्चर बना दिया आपने अब आपको क्या करना है 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 यहां पर कर देनी कंप्लीट ठीक इसके चार बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं तो ये जाएगा सी एच टू एंड दिस इज सी एच थ्री ठीक है क्लियर है चलो अब क्या करेंगे आप देखेंगे इसका सेकेंड लास्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा आपको दिस इज साइक्लोपेंट पेंट थ्री इन वन ऑल साइक्लोपेंट मतलब फाइव कार्बन एटम्स की रिंग ठीक है ये बनाई आपने ओके अब इसमें क्या है बेटा वन पोजीशन पर है ऑल मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है ओएच OH ग्रुप तो कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां आपने ओएच OH ग्रुप लगाया वहां ही फर्स्ट पोजीशन ये सेकेंड और ये थर्ड थर्ड पोजीशन पर क्या है बेटा पेंट थ्री इन मतलब थर्ड पोजीशन पर है एक डबल बॉन्ड तो ये आपने बनाया डबल बॉन्ड ठीक तो ये क्या बन गया साइक्लो पेंट थ्री इन वन ऑल क्लियर सिंपल सा था चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा आपको दिस इज फोर क्लोरो थ्री इथाइल ब्यूटेन वन ऑल ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन आइटम्स की चेन सेकेंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ फर्स्ट पोजिशन पर क्या है ओ एच ग्रुप ये आपने लगा दिया यहां पर फोर्थ पोजिशन पर है क्लोरो तो यहां पर आपने लगाया सी एल एंड थर्ड पोजिशन पर है इथाइल इथाइल का मतलब सी एच टू सी एच थ्री या फिर हम लिख देंगे सी टू एच फाइव योग्य बेटा अब बस क्या करना है वेलेंसीज कंप्लीट कर देंगे यहां पर सी एच टू दिस इज सी एच टू यहां पर क्या आएगा एक हाइड्रोजन और यहां पर दो हाइड्रोजन ठीक है सबकी वेलेंसीज कंप्लीट हो गई ओके तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं यहां पर हमने क्या सीखा कंपाउंड के आई नेम से उनके स्ट्रक्चर्स बनाना ठीक बेटा चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए बाय बाय